तो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो का F23 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है वर्सेस रहेगा वीवो का Y100। इसको लॉन्च हुए 2-3 महीने हो चुके हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन काफी बढ़िया रहने वाला है। अगर आपने इन दोनों से कोई चला के देखना है या परचेज करना है, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हैं, शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको मिलता है 25,000 का, 2,999 का मिलता है, लगभग 25,000 का ये मिलता है ओप्पो का F23 5G जो कि अभी लॉन्च हुआ है। अगर वीवो के Y100 की बात करते हैं तो इसका प्राइस भी लगभग सेम ही रहता है 25,000 का। इनका दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो कंपैरिजन किया है वीवो का Y100A वो अलग है, Y100 अलग है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। अगर आपने चला के देखना तो बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट, मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले साइज़ की। ठीक है, प्राइस मैंने आपको बता दिया, दोनों मॉडल 5G रहने वाले हैं। अगर इसके डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए ओप्पो के A23 की 5G वाले मॉडल की, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो रहेगा 6.72 इंच फुली HD प्लस IPS डिस्प्ले। डिस्प्ले इसकी IPS रहती है, इस रेंज में मेरे ख्याल से आपको सुपर एमोलेड आनी चाहिए थी। चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो वीवो में अगर बात करते हैं इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो रहेगा 6.38 इंच। ठीक है, फुली HD प्लस अपना इसकी जो डिस्प्ले रहेगी वो एमोलेड रहेगी। क्वालिटी के मामले में इसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है एमोलेड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो हर्ट्स है वो 19 हर्ट्स है, पर अगर इसके ओप्पो के हर्ट्स की बात की जाए तो 120 हर्ट्स पर ये काम करने वाली डिस्प्ले है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के फ्रंट कैमरों की, तो फ्रंट कैमरे की बात की जाए इसका जो फ्रंट कैमरा वो 32 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हम चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका फ्रंट कैमरा। उसके बाद हम वीवो के Y100 की बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो रहेगा 16 मेगापिक्सल का। एक बार दोनों की फ़ोटो पिक खींच के देख लेते हैं। ये दोनों के पिक आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कैसी पिक है इनकी, ये चेक कर सकते हो दोनों की पिक में डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 32 मेगापिक्सल का कैमरा। ठीक है, पिक्सल में आप चेक कर सकते हो कितना ही फ़र्क आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों के राइट साइड में, तो राइट साइड में आप चेक कर सकते हो जो वीवो का Y100 है उसमें आपको वॉल्यूम की रोक करके अप डाउन के बटन, साथ में पावर लॉक बटन और राइट साइड में मिल जाते हैं। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो में आपको जो ये मिलेगा राइट साइड में सिर्फ पावर लॉक बटन मिलेगा, इसी के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो लेफ्ट चेक कर सकते हो जो वीवो एकदम क्लीन देखने को मिल जाता है। ओप्पो में आपको वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, साथ में सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसमें 5G सिम इजीली सपोर्ट करते हैं दोनों। ठीक है ना, अगर वीवो की बात करते हैं तो वीवो में अप वाली साइड में आपको 5G सिम देखने को मिलेगी डालने को, सेकेंडरी माइक दोनों में देखने को मिल जाता है ऊपर वाली पोजीशन पे। ठीक है, जो कि बैकग्राउंड का जो शोर होता है वो काफ़ी हद तक कम कर देता है, और जब हम वीडियो शूट करते हैं तो भी ये नॉइज़ कैंसिलिंग का काम करता है, जो कि जैसे कि हम सड़क पर जा रहे हैं बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड का शोर काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर हम बात करते हैं नीचे से, स्पीकर ग्रिल आपको सेम पोजीशन पे देखने को मिल जाता है, बस शेप थोड़ी अलग मिलेगी। इसकी शेप थोड़ी चौस लंबी लंबी रहती है, इसकी राउंड में मिल जाती है। टाइप सी चार्जर सेम पोजीशन पे देखने को मिलेगा, मेन माइक इनके थोड़े से आगे पीछे रहते हैं, और 3.5mm के हेडफोन चार्ज दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के कैमरों के बारे में, बैक कैमरे रियर कैमरों के बारे में बात करते हैं, तो दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो में जो 3 कैमरे देखने को मिलेंगे वो मेन कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, साथ में फ्लैश देखने को मिल जाती है, नीचे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है ओप्पो की। अगर हम वीवो की बात करते हैं तो वीवो में जो आपको मेन कैमरा मिल गया वो मिलेगा 64 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है आपको वीवो की। बल्कि अगर देखा जाए तो बैक के कैमरे दोनों के सेम पिक्सल में रहने वाले हैं, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा जो रहेगा वो भी इसका 2 मेगापिक्सल का, जो थर्ड कैमरा वो भी 2 मेगापिक्सल का। फ्लैश की पोजीशन भी दोनों की एक जगह पर रहती है, बस ये है कि इसके कैमरे की पोजीशन एक यहाँ आ जाती है, इसकी कैमरे की पोजीशन एक दो ऊपर आता है एक नीचे आता है, इसके एक यहाँ और एक यहाँ, ये चेक कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के वेरिएंट के बारे में, वेरिएंट में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है काफ़ी। अगर इसके वेरिएंट की बात करते हैं तो 8GB रैम देखने को मिलेगा, पर 256GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी हो जाती है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो वीवो में अगर बात की जाए तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8 GB रैम देखने को मिलेगा, प्लस 128 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इसकी जो स्टोरेज है वो बढ़ गई, पर इसकी जो डिस्प्ले है वो IPS आ गई। इसकी बात करते हैं, इसकी डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड आ गई, ठीक है ना। कुछ चेंजेस इसमें, कुछ इसमें, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपने ज़्यादा डिस्प्ले यूज़ करनी है, गेमिंग वेमिंग करनी है, या ज़्यादा देर देखना है, तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का देखने को मिला है 695, ठीक है। 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का, ठीक है। अगर हम वीवो की बात करते हैं तो इसमें आपको डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि वीवो का रहने वाला है, ठीक है। अगर इन दोनों के बैटरी के बारे में बात की जाए, तो इसमें जो बैटरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 5000 mAh की, जो कि 67 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। पर बॉक्स के अंदर जो चार्जर मिलेगा वो 80 वाट का मिलेगा, बट जो ये सपोर्ट करेगा, मतलब चार्जिंग स्पीड जो एक्सेप्ट करेगा वो 67 वोल्ट की। अगर इसकी बात करते हैं Y100 की, तो इसके साथ जो बैटरी रहेगी वो रहेगी 4500 mAh की, 4500 mAh की बैटरी रहेगी, और जो इसका चार्जर रहेगा वो 44 वाट का फास्ट चार्जर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल में बात की जाए तो इनकी थोड़ी सी टेस्ट स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि रैंडमली, ठीक है। जैसे हम बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं, ठीक है, इसकी ये भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल इसको भी देख लेते हैं, इसका सारा बैकग्राउंड क्लियर है, ओके, ऑल क्लियर, ओके। सबसे पहले हम क्रोम खोल के देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो लगभग स्पीड दोनों की लगभग सेम सी आ रही है, इतना डिफरेंस आ नहीं रहा। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या आता है, ओके, आ जा। इसके बाद हम इसकी फेसबुक खोल के देख लेते हैं। फेसबुक इसकी सेटिंग थोड़ी सी होने वाली है, पर लगभग सेम ही है यार, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। और आगे आ जाते हैं हम इसके बीच में, क्रोम कर लिया, फेसबुक कर ली, गूगल ड्राइव करके देख लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा इसने प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका जो वाईफाई है वो बंद है, तो इसलिए शायद ओवरऑल देखा जाए तो आपको 1 सेकंड का ही फ़र्क देखने को मिलेगा आगे पीछे का, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिंपल सा कंपैरिजन था, थोड़ा सा स्पीड टेस्ट था, ठीक है। स्पीड टेस्ट में देखा जाए तो लगभग कुछ एप्लीकेशन इसमें सेटिंग करने वाली है, तो फिर 1 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा। कुछ परफॉर्मेंस ये बेस्ट देगा, कुछ ये देगा, ठीक है। जैसे गेमिंग खुलेगी, पता नहीं किस में पहले खुलेगी, वो तो नेट के हिसाब से ऑन करके ही पता चलेगा। तो बस आज के इतना काफ़ी है, चलो वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। Bye, thank you for the video.